नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए वन रक्षक की महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूँ। 11 दिसंबर को पेपर होने जा रहा है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। इससे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। हूबहू पेपर आपको इसी प्रकार को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप जो है इन 41 क्वेश्चनों को जरूर देखें दोस्तों। इस वीडियो में आपको 41 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए पूरे पेपर आपको बताता हूँ। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, तो जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी बताइए। जैसलमेर की जो स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में हुई थी। 12वीं शताब्दी में जो है जैसलमेर के बाटी राजवंश का शासन रहा था। उस समय यहाँ पर जो है किसने की थी दोस्तों इसकी स्थापना, आदि पुरुष कौन थे? बाटी राजा भूपत। कौन? बाटी राजा भूपत, जो कि यहाँ के संस्थापक थे और इनको आदि पुरुष भी कहा जाता है जैसलमेर के। ठीक है, तो बाटी राजा मंगलराव तन्नोट को राजधानी बनाई, तो ये चीज़ भी आप याद रखना है। और कब जो है जैसलमेर को राजधानी बनाया गया, तो 12 जुलाई 1155 को। 12 जुलाई 1155 को याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर को राजधानी बनाई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जवाब हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त है? तो वो थी शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा जो तारकिन का उर्स है वो नागौर में बढ़ता है। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो है तारकिन का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है, तो ये नागौर में लगता है। अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में पेय पदार्थ है तो किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो भील जनजाति जो होती है वो पीने के लिए जो पदार्थ पेय पदार्थ होता है, जिसे आपने देखा होगा घूमर वगैरह, जो मतलब दारू पीते हैं ना, उसी की बात करता हूँ। पेय पदार्थ जो दारू वगैरह के रूप में लेते हैं, वृक्ष किस वृक्ष का जो अधिक उपयोग करते हैं, तो आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होता है महुआ के वृक्ष का। किसका? महुआ के वृक्ष का उपयोग लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसे तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ऊँट लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में, वह किसे दिया जाता है? तो पापू जी को। इसीलिए जो है ऊँटों के रक्षक, ऊँटों का देवता, ठीक है, तो वो बोला जाता है इनको, ठीक है, इसी कारण। और रेबारी जाति के ये प्रमुख देवता है, और ऊँट पालक जाति जो होती है रेबारी यानी कि राय का हुआ करती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड निम्नलिखित में से कौन सा सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है? तो सिक्स का सही जवाब हो जाएगा बड़ला फेज टू। क्या हो जाएगा? बड़ला फेज टू जोधपुर और सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। तो राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड बड़ला फेज टू जोधपुर सौर पार्क परियोजना विकसित कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा जोधपुर का नाम। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, बताइए वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी मत्स्य संघ को? तो चलिए बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। क्या हो जाएगी? हीरालाल शास्त्री होगा या कुछ और होगा, बताओ फटाफट। गलत है, हीरालाल शास्त्री नहीं होगा, ठीक है ना, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। डॉक्टर शंकर राव देव समिति, ठीक है, डॉक्टर शंकर राव देव समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी स्टूडेंट का। तो ये आप याद रखना है, ठीक है। और 7 चरणों में दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड जलग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है, बताइए। राजस्थान के किस जिले को वाटर रोड जलग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर। कौन सा आता है निरांचल परियोजना के अंतर्गत? जोधपुर जिला वाटरशेड या जलग्रहण क्षेत्र निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया?
राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे जरूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी ने किया था वैज्ञानिक वर्गीकरण सर्वप्रथम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, जल संरक्षण के लिए 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजिताभ को शर्मा को। किसको? अजिताभ शर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न, 2020-21 में राजस्थान के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है? तो उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान है, इसका सही जवाब हो जाएगा 24.8%। कितना? 24.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकोल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? मणिकोल की जो फिल्म है दुविधा, वह किसकी कृति पर आधारित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विजयदान देता। किसकी कृति पर है? तो विजयदान देता की जो अन्य कृति कौन सी है? बातारी फुलवारी। कौन सी है? बातारी फुलवारी भी इनकी कृति है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। उदयपुर में आयोजित जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के जो है 7वें अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान के इको टूरिज्म नीति जारी की गई, बताइए राजस्थान के इको टूरिज्म नीति जारी की गई, तो कब जारी की गई? जुलाई 2021। क्या होगा? जुलाई 2021। बटनेर किला किसने बनवाया था? तो बटनेर किला राजा भूपत ने बनवाया था। बटनेर किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। किसने बनवाया था? राजा भूपत ने। अगला क्वेश्चन, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो शाहपुरा का जो फूल डोल मेला है, ये किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है चैत्र माह में। शाहपुरा का फूल डोल मेला जो है चैत्र माह में आयोजित किया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सगत रासो के लेखक कौन है? सगत रासो के रचयिता तो कौन है? गिरधर आसिया। सगत रासो के लेखक है गिरधर आसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? खजुराहो का मतलब होता है वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ हो, ठीक है, नग्न मूर्तियाँ, ठीक है, वो होनी चाहिए। तो निम्न से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किराड़ू का मंदिर बाड़मेर। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, जबकि जगत अंबिका माता मंदिर जो उदयपुर में है, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? कोई महिला होती है, वो महिला क्या करती है? दांत के बीच में जो है सोने की कील जड़वा लेती है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे चूप, महिलाओं के दांत का आभूषण है, चूप कहेंगे उसे, जो गड़वा लेती है ना सोने चांदी सोने की, तो उसे कहेंगे चूप लगा लिया उसने, है ना। अगला क्वेश्चन, माउंट पोपा ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ पर है? तो म्यांमार में माउंट पोपा ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है। किस पे आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर। गौरी एक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की जो कहानी है, कथा है, उस पे आधारित है। तो गौरी जो है लोक नाट्य राय लोक नाट्य का मेरु नाट्य बिलो द्वारा भाद्रपद माह में जो है आश्विन शुक्ल तक जो है 40 दिनों तक होता है दोस्तों, ये ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर याद रखना है कि 40 दिनों तक होता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़िया है, शानदार है, लगाइए। तो बताइए फटाफट से, संप्रदाय दे रखा है इधर, इधर प्रमुख पीठ या गद्दी दे रखी है, इसको सुमेलित करना है आप लोगों को, तो सुमेलित कीजिए आप फटाफट से, ठीक है। तो चरणदासी प्रमुख पीठ कहाँ पर है, चरणदास जी की, तो इनकी प्रमुख पीठ है चरणदास जी की दिल्ली में। अखिलिया अलखिया की, अलखिया की जो पीठ है बीकानेर में है। गुदड़ गुदड़ की प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल की प्रमुख पीठ है जोधपुर में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है सूरज कुंड बाला किला अलवर में, ठीक है। बाला किला अलवर में है सलीम सागर, और सूरज कुंड कहाँ पर है, ये बाला किला जो अलवर में है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है, तो मोसर किसे कहते हैं, मोसर ओसर, ठीक है, मोसर या ओसर समझ लो, तो मोसर किसे कहा जाता है, तो मोसर कहा जाता है मृत्यु बोझ को, ठीक है, मृत्यु बोझ को जो है मोसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट कभी बन सकता है, मोसर तो मृत्यु बोझ का मतलब मृत व्यक्ति के पर जो मृत्यु बोझ किया जाता है उसे कहा जाता है नुक्ता या मोसर, ठीक है ना, नुक्ता भी कहते हैं कहीं कहीं, पर जोसर किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है जोसर किसे कहा जाता है, तो जोसर कहा जाता है जीवित अवस्था में मोसर करना, ठीक है। जीवित अवस्था में क्या कर देते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि नुक्ता कर देते हैं, जीवित अवस्था में ही नुक्ता कर देते हैं खुद का ही, तो उसे बोलते हैं जोसर, मतलब जोश जोश में कर रहा है भाई वो, तो है ना, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन, सहेलियों की बाड़ी निर्माण करता थे, तो सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे, इसके निर्माणकर्ता थे संग्राम सिंह दित्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, सही है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर, सही है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाल, सही है, जबकि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र गलत है, ठीक है, नहीं है, गलत है ना एकदम, तो जो तबीजी में है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तबीजी में, तबीजी तिजारा में नहीं है, तबीजी में, तो ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा, अपने को तो गलत ही ढूंढना था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी छावनियाँ थी, कितनी छावनियाँ थी, 6 छावनियाँ थी। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता देता हूँ नाम कौन कौन सी थी, नसीराबाद थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, देवली थी, एरनपुरा और नीमच, तो ये 6 छावनियाँ थी राजस्थान में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, इसका सही जवाब आप लोग दीजिएगा, सही जवाब इसका अर्जुन लाल सेठी, कौन से सेठी जी, अर्जुन लाल सेठी जी है। अगला क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना की, वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह बारट, कोटा वीर भारत सभा की स्थापना भी पूछा जाए तो केसरी सिंह बारट होगा उसका भी जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, गुरुसीकर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब लास्ट में बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो गुरुसीकर तो सबसे बड़ी है आप लोगों को पता है, तो आप लोगों को पता है गुरुसीकर सबसे ऊंची है, तो सबसे लास्ट में तो यही आएगी, तो सारे ऑप्शनों में यही है, अब आपको इन तीनों में से ढूंढना है। चलो बताओ फटाफट, गुरुसीकर को तो कोई मतलब नहीं है, और का बताओ फटाफट, जल्दी से बताइएगा आप सभी लोग, सभी जवाब दे सकते हैं इसका, तो आप लोगों का हो जाएगा तारागढ़, सबसे छोटी नीची है तारागढ़, ठीक है, जो कि अजमेर में, फिर है कुंभलगढ़,
फिर है अचलगढ़, फिर गुरु सीकर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर से राइट आंसर होता है। कैसे मैं बताता हूँ, गुरु सीकर सिरोही की जो है उसकी ऊंचाई है 1722 जो सबसे लास्ट में आएगी। शेर सिरोही 1597 यदि वो भी बता देता हूँ नाम आपको। दिलवाड़ा 1442, आप तो इन छोड़िए, मैं तो एक एक इनमें से ऑप्शन को बता देता हूँ, फिर अलग से आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई है। तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है वह कितनी है, तारागढ़ की 873 है, जबकि कुंभलगढ़ की कितनी है बताइए, कुंभलगढ़ की 1224 है। अचलगढ़ की कितनी है 1380, गुरु सीकर की है 1722 और झंडा लगाने के बाद 1727, याद रखना है ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंक मिली है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग में राजस्थान से उदयपुर को कौन सी रैंकिंग मिली है, तो इसका जवाब होता है पांचवी रैंकिंग। कितनी, पांचवी रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है। यदि सरपंच चाहे कि मुझे सरपंचगिरी नहीं करनी है तो सरपंच किसको त्याग पत्र देगा, तो वह देगा पंचायत समिति के विकास अधिकारी को, यानी कि जो वीडियो होता है उसको देगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो राजस्थान में कौन सी जगह है जहाँ पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो यह चित्तौड़गढ़ में पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, जबकि टोंक में है, कोटा में है, अलवर में, परंतु चित्तौड़गढ़ में नहीं है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ध्यान से देख, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ये सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। तो चलिए अब मिलान करते हैं। महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय कहाँ है, सरदार पटेल विश्वविद्यालय कहाँ है, जोधपुर में है। पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना तो ये कहाँ पर है, जयपुर में। जबकि मेवाड़ बिल कोर कहाँ है, उदयपुर में। तो इस प्रकार आप याद फिर से सुन सकते हैं, महाराणा प्रताप आर्म्ड बटालियन प्रतापगढ़, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय आपका है जोधपुर, पहला महिला कर्मचारी पुलिस थाना जयपुर, मेवाड़ भील कोर उदयपुर, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर आगे जो है स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में जो सेक्रेटरी है, ठीक है, यानी कि शासन सचिवालय, तो इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 में शासन सचिवालय की स्थापना हुई। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन काल की अवधि क्या थी। तो राजस्थान में जो है अंतिम राष्ट्रपति शासन काल की जो अवधि क्या रही, उसका जवाब होगा 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या गलत युग्म चुनी है। तो गलत युग्म जो भी है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि अभी गुजरात में चुनाव है, आपके हिमाचल में चुनाव है, राजस्थान में आने वाले समय में चुनाव है, MP में चुनाव है, तो इसलिए विधानसभा की सीटें पूछे जाने का ज़्यादा चांस बनता है। तो पंजाब में जो क्या है, गलत युग में, पंजाब में 150 नहीं है, जबकि गुजरात में 182 है, असम में 126 है, बिहार में 243 है। राजस्थान में कितनी है, राजस्थान में 200 यानी कि 200 है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधी राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसका जवाब होगा पंचायती समिति मध्य प्रदेश। पंचायती राज संस्थानों के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधी राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो यहाँ पंचायत समिति मध्य प्रदेश, तो यह त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। पंचायत समिति की बात करें तो राजस्थान में कहते हैं, पंचायत समिति राजस्थान में कहते हैं, ठीक है ना। और पंचायती राज संस्थानों को मतलब पंचायत समिति जो है राजस्थान में कहा जाता है, जबकि क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश ही है, तालुका पंचायत गुजरात, मंडल पंचायत कर्नाटक, इस प्रकार अलग अलग नाम है। किस वर्ष में राजस्थान महिला आयोग की स्थापना हुई। तो कौन सा वर्ष ऐसा था जिसमें महिला आयोग की क्या करी, स्थापना करी।
तो महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1999 को। कब महिला आयोग की स्थापना 1999 में करी। निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो 40वीं का सही जवाब होगा आपका उत्तरी क्षेत्र परिषद में। क्या होगा? उत्तरी क्षेत्र परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म गलत है? कौन सा अनुच्छेद है जो कि गलत है? तो देखिए बताता हूँ आपको कौन सा गलत है। द्वितीय स्थिति के पुनरोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 ज है, सही है। स्थानों का आरक्षण 243 ग, सही है। पंचायतों की अवधि 243 ड, सही है। परंतु पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 क एकदम गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना ऑप्शन नंबर 41 भी होगा भी सही होता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने 41 पूरे क्वेश्चन करवाए आप लोगों को, आपके कितने परसेंट सही है आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में से कम 3 से 4% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सोचो एक वीडियो से 3 से 4% आ रहे हैं तो आपका काम हुआ कि नहीं हुआ आसान। तो दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाली है, और इससे पहले भी मैं 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूँ। प्लेलिस्ट बढ़ा रखी है, आप एक बार जाके जरूर चेक करें ताकि प्लेलिस्ट काम आ सके आप लोगों के लिए। तो फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए। रोजाना क्लास इसी समय होती है, यानी कि 8:15 में डेली क्लास होती है, शाम को 8:15 में। तो आप लोगों के लिए ये डेली क्लास मिलने वाली है, सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। आपका कोई जानकार है, सगा संबंधी है तो उसे भी इस वीडियो को जरूर भेजिए, क्योंकि उसके लिए ये सीईटी में भी काम आएगी, रीट में काम आएगी, और आने वाले और भी एग्जामों में काम आएगी, और वन रक्षक में तो आ ही रही है काम, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए ये रामबाण यानी कि ब्रह्मास्त्र साबित होगी ये सारी की सारी क्लास। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोगों तक। धन्यवाद मित्रों।